हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन काउंसलिंग करा कर के नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, उनको स्कूल आवंटन होने जा रहा है। बस चंद दिन शेष रह गए हैं इसी सप्ताह में, इसी आने वाले सप्ताह में उन्हें स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव महोदय ने पत्र दोस्तों निर्गत कर दिया है। ऐसे शिक्षक को ऑनलाइन स्कूल का आवंटन किया जाएगा। मेरिट के हिसाब से उन्हें शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, दो शिक्षक वाले विद्यालय या एकल शिक्षक वाले विद्यालय में उनको पदस्थापित किया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस संदर्भ में कौन सी नियमावली काम करेगी। दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। अब दोस्तों आप देख सकते हैं किन किन जनपदों के लिए आदेश हुआ है। यह आदेश हुआ है फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया, शामली। तो दोस्तों विषय है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15 मई 2024 के अनुपालन के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये नियुक्ति हो रही है। अब इसमें कार्यवाही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसमें कार्यवाही कौन कौन सी होनी है। इसमें दिनांक 30 दिसंबर 2023 एवं दिनांक 7 जनवरी 2024 को 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आहर पाए गए अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही होनी है। और ये विद्यालय आवंटन की जो कार्यवाही दोस्तों होगी वो 27 जून 2024 के अपराह्न से 29 जून 2024 तक होनी है। अब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार होगी। विद्यालय आवंटन के संबंध में समस्त कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तैनाती नियमावली 2008 में गठित समिति के उपस्थिति में संपादित की जाएगी। तो दोस्तों जो भी स्कूल अलॉट किए जाएंगे, ऑलरेडी एक कमेटी जनपद स्तर पर दोस्तों बनाई गई होती है, उस कमेटी में कुछ सदस्यगण होते हैं आदरणीय, वो जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मौजूद रहते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में विद्यालय आवंटन का कार्य होता है। हाँ, स्कूल जो खुल के आते हैं वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ स्कूल की सूची भेजता है। तो विद्यालय आवंटन की समस्त कार्यवाही NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। आहर अभ्यर्थियों को गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष, शिक्षक की सूची पृथक पृथक मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले जो वरीयता मिलती है वो दिव्यांग महिला को मिलती है, उसके बाद दिव्यांग पुरुष को, फिर महिला शिक्षिकाओं को और अंत में पुरुष शिक्षक। इनकी सूची बनती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी सबसे जिसकी ज़्यादा मेरिट है उसकी, उससे कम और फिर सबसे कम, ऐसे सूची बनती है। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किए जाने हैं तो दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष,
महिला शिक्षिका एवं पुरुष शिक्षक को गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में अवसर प्रदान किया जाएगा। गुणांक मान लीजिए किसी का बराबर हो गया, नंबर बराबर हो गए, तो अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि आयु भी समान हो गई तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है में 5 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करने हेतु शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक तहत 2 शिक्षक एवं 3 शिक्षक व उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवरोही क्रम में एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए 0, एकल तथा 2 है में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जाएगी। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तारित सीमा में सम्मिलित हैं में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि ऐसा कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो उसे सूची से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, समस्त जो नियुक्ति होगी विद्यालय आवंटन में, जो विद्यालय मिलेंगे आपको ग्रामीण क्षेत्र के ही स्कूल मिलेंगे, इस मामले में बिल्कुल आप इंश्योर हो लें। अध्यापकों की सूची निम्नोत तैयार की जाएगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग पुरुष की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापकों की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पुरुष अध्यापकों की सूची अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गुणांक समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी। विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना। विद्यालयों का चिन्हांकन मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा मानव संपदा डाटा डंप के क्रम में वैकेंसी मैट्रिक्स तैयार कर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। सर्वप्रथम शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। 2 शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में 2 शिक्षक, 1 शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में 1 शिक्षक पदस्थापित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक एवं शिक्षा मित्र की संख्या सम्मिलित करते हुए 0, एकल तथा 2 हैं में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के तकनीकी चरण। समस्त विद्यालयों की सूची जिस कक्ष में अध्यापक अध्यापिका बैठेंगे के बाहर तथा प्रांगण यानी कैंपस में चस्पा किया जाएगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त विद्यालयों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर संबंधित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त कराया जाएगा। विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्ति कम की जाएगी तथा विद्यालय में रिक्ति समाप्त होने के पश्चात उस विद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांग पुरुष को
उसके बाद उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तत्पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में महिला अध्यापिका को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। उसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पुरुष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं एवं पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु समय सारणी यानी टाइम स्लॉट दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष के लिए तैयार की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग या महिला अध्यापिकाओं या पुरुष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जहाँ बुलाएंगे दोस्तों वहाँ पे आपको जाने हैं। पेपर में ये विज्ञप्ति भी निकलेगी, जब 27 से 29 के बीच में काउंसलिंग होगी तो प्रत्येक जनपद में विज्ञापन निकलेगा। और ज़्यादातर संभावना दोस्तों यही रहती है कि BSA ऑफिस में ही काउंसलिंग होती है, जनपद प्रतापगढ़ में तो BSA ऑफिस में ही होती है। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानीय अनुमन्य नहीं होगा, जो जिसे नौकरी मिलनी है उसी को ही जाने हैं, उसका भाई, उसके फादर या कोई भी रिश्तेदार, नातेदार या कोई भी व्यक्ति, उससे इतर व्यक्ति किसी भी रूप में अनुमन्य नहीं होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक या अध्यापिकाओं के 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में प्राप्त भारांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापिकाओं एवं पुरुष अध्यापकों की तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, जन्म तिथि एवं उपस्थित होने का समय अंकित किया जाएगा। संबंधित अध्यापक या अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर, दिनांक व समय अंकित कराते हुए कराया जाएगा। दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरुष अध्यापक, अध्यापिका, महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापकों को गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। अनुपस्थित अध्यापक अध्यापिकाओं जो समय से उपस्थित नहीं हुए को छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। यह समस्त कार्यवाही पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही क्रम के आधार पर अध्यापक या अध्यापिकाओं की सूची के क्रम में की जाएगी। यदि कोई अध्यापक या अध्यापिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किए बिना उससे कम भारांक वाले अध्यापक या अध्यापिका को विद्यालय आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जिसकी सीनियर मेरिट लिस्ट में ऊपर है पहले उसी को ही बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसकी मेरिट कम है उसे पहले बुला लिया जाएगा। ये बात ध्यान देनी है कि स्कूल जब आप सिलेक्शन कर रहे हों तो पूरे होशो हवास में रहें। जो स्कूल आपको वांछित है, जो स्कूल आप चाहते हैं, जो सूची में जिसका नाम हो वही लें, क्योंकि एक बार अगर विद्यालय आपको मिल जाएगा दोस्तों फिर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन या एडिटिंग उसमें किसी भी प्रकार की नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अलॉटमेंट NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन कोई भी एंट्री आप कर देंगे, सबमिट होने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। बाद में अगर आपने गलत चॉइस ले ली तो आपको पश्चाताप के सिवाय दोस्तों कुछ नहीं मिल रहा है। यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग महिला एवं पुरुष अध्यापक, महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापक अपने निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने क्रम के बाद उपस्थित होते हैं तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाइम स्लॉट में सबसे बाद में किया जाएगा। अध्यापक या अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने के पश्चात उसे एक रसीद दी जाएगी जिस पर पंजिका का क्रमांक, जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय एवं दिनांक अंकित किया जाएगा, तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अध्यापक अध्यापिकाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एक साथ की जाएगी। संबंधित अध्यापक अध्यापिका निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट पर उपस्थित नहीं होते तो अनुपस्थित अंकित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अनुपस्थित अध्यापकों की सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराना, संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं को आवंटित विद्यालय पर 1 जुलाई 2024 को अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। दोस्तों खुशखबरी की बात है, 1 जुलाई को आप जैसे ही विद्यालय पूरी तरीके से खुलता है आप 1 जुलाई 2024 को अपने विद्यालय में तैनात हो जाएंगे। संबंधित अध्यापक या अध्यापिका से संबंधित समस्त तैनाती विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। किसी भी अध्यापक या अध्यापिका द्वारा किसी बाहरी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है तो यह माना जाएगा कि यह कृत्य उसके द्वारा किया गया है तथा
उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अध्यापक या अध्यापिका के विरुद्ध सेवा नियमावली या कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इस आशय की प्रविष्टि उसकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएगी। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 27 जून 2024 के अपराह्न से दिनांक 29 जून 2024 तक पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराया जाना है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से इस अवधि में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए समयावधि निर्धारित कर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधित 2010 के प्रावधान एवं तद विषयक निर्गत शासनादेश के प्रावधान अध्यापकों हेतु यथावत लागू होंगे। विद्यालय आवंटन के संबंध में यथावश्यक व्यवस्थाएं अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलाधिकारी के निर्देशन में ऑनलाइन कराई जाएगी। काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित कराया जाए, जिनके पर्यवेक्षण में तैनाती समिति द्वारा नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए समस्त कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय आवंटन के संबंध में किसी अध्यापक या अध्यापिका द्वारा शिकायत करने पर समिति द्वारा तत्काल उसका निस्तारण करने के उपरांत ही विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समस्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त सभी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी स्तर पर अनियमितता या विसंगति संज्ञान में आने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये रही खुशखबरी। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, सचिव हैं आप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। आपके द्वारा पत्र निर्गत हो गया है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2024 आपके लिए आपके जीवन में नूतन सेवा का काल होने जा रहा है। आपको अग्रिम शुभकामनाएँ ज्ञापित करता हूँ। एक लंबे संघर्ष के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हरी झंडी के बाद आपकी काउंसलिंग हुई, आपको नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ और अब आपको विद्यालय आवंटित होने जा रहा है। इसमें आप सभी का अमूल्य संघर्ष और योगदान रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर दोस्तों सुन रहे हों तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जल्द आपके समक्ष एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।